Okay guys, so in this session we are going to let's look into some vocabulary part for this chapter. So like you have been given these, you know, like five explanations of the words, and the words are written, but the thing is that like out of three, only one spelling is correct, the other two would be wrong. तो आपका काम क्या होगा कि इस डेफिनेशन के बेसिस पर जो वर्ड आपके समझ में आता है उस वर्ड को मार्क करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको इंश्योर करना है कि उसकी स्पेलिंग जो है वो सही हो. ओके, सो फॉर एग्जांपल लुकिंग एट समबडी और समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, किसी को या किसी चीज को लंबे समय तक देखते रहना, सो वेल दैट इज कॉल्ड गेज. लेकिन अब इसमें से कौन सी गेज की सही स्पेलिंग है, दैट इज something you have to decide. ये आपको डिसाइड करना होगा, और साथ ही साथ आपको जो है जो सही स्पेलिंग है गेज की वो जो है याद भी करना होगा. A field of grass is called meadow. A feeling of great joy is called ecstasy. ठीक है, जब बहुत ज्यादा खुश जब होता है ना कोई आदमी तो उसके लिए यूज करते हैं he was ecstatic और he was the great sense of ecstasy came over him. An animal's long nose and the area around its mouth. Well, this is called snout. ठीक है, हिंदी में से थुथना कहते हैं. A place where a person or an animal lives, that is called dwelling place. ठीक है, dwelling. तो आप जो है फिर इन सही स्पेलिंग वाले ऑप्शंस को जो है आप मार्क कर दीजिएगा. If you have confusion over the word, you can just, you know, go through the chapter once again. एक बार दोबारा चैप्टर में देख लीजिएगा, आपको जो है इन वर्ड्स की ये वर्ड जो है यूज हुआ है आपके चैप्टर में ये वर्ड सब, और वहां से आपको जो है सही स्पेलिंग भी मिल जाएगी. Now the next task in the vocabulary section is also based on the knowledge of correct spelling. Okay? So here, you know, like you are given spellings of some common words. कुछ common words की spelling यहाँ पर दी गई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी spelling सही है. For example, like coffee, library, accept, often, rabbit, habit, receive, assist, phone, matched. इतने सारे words लिखे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इनमें से बहुतों की spelling गलत है, कुछ की spelling सही है. तो आपको जिनकी spelling सही है वो आपको जो है underline कर देना है, और जिनकी स्पेलिंग सही नहीं है उनको जो है आपको छोड़ देना है. सो दैट्स वेरी इजी. अगेन लाइक यू कैन यू नो लाइक चेक ऑनलाइन इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द स्पेलिंग, बट वंस यू हैव चेक्ड आउट बोथ द रॉन्ग आई मीन बोथ यू नो वर्ड्स विद रॉन्ग स्पेलिंग एंड वर्ड्स विद राइट स्पेलिंग, आप जो है उनके स्पेलिंग को याद भी कर लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल जिनकी स्पेलिंग रॉन्ग है उनको जो है बुक में क्रॉस करके और उसके सामने में जो है उसकी सही स्पेलिंग लिख दीजिएगा. जैसे अगर मान लीजिए कि फ्रेंड लिखा हुआ है और आपने चेक किया और आपको पता चला कि नहीं, दिस इज अ रॉन्ग स्पेलिंग एंड राइट स्पेलिंग इज फ्रेंड, तो आप क्या करिएगा, रॉन्ग वाले को आप क्रॉस कर दीजिएगा बुक में और उसके ऊपर जो है राइट स्पेलिंग को लिख दीजिएगा. ठीक है, सो वेल दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अ बिट ऑफ ग्रामर, सो सी यू देयर, बाय बाय.